और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिव्यू टैब का लास्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये करेंगे और नेक्स्ट टैब स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, साइड में एक टास्क पेन आ गई, एक बॉक्स आ गया। यहां एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस पे अलाउ ओनली, इस चेक बॉक्स पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे और यहां से हम चार तरीके से अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। कल हमने ट्रैक चेंज कमांड पढ़ी थी, मैटर को हाईलाइट करने के लिए ट्रैक चेंज कमांड का यूज किया जाता है। तो यहां से हमने ट्रैक चेंज सेलेक्ट किया। उसके बाद है यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक करके आपने पासवर्ड भरना है, न्यू पासवर्ड। यहाँ पे मैंने कोई भी पासवर्ड डाला, री एंटर में सेम पासवर्ड को ओके करना है। अब देखिए, टाइप करके देखेंगे, हाईलाइट करेगा अलग कलर में, हाईलाइट कर रहा है। आपने फाइल बना दी, लॉक लगा दिया, बाद में आपने ट्रैक चेंज लगा के पासवर्ड लगा दिया, कंप्यूटर आपको बता देगा कि आपकी फाइल में ये लिखा हुआ है। लॉक हटाने के लिए स्टॉप प्रोटेक्शन में जाके सेम पासवर्ड आप हटाएंगे, ब्लैक कलर आ गया टेक्स्ट का तो आपका पासवर्ड हट गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें कमेंट्स। कमेंट हमने पढ़ा था यहां से, बट ये बिल्कुल अलग है, वहां वाला सेम नहीं है। कमेंट्स पे क्लिक किया, यस स्टार्ट, पासवर्ड भर दिया, री एंटर में सेम। अब देखिए, आपने टाइप करना है, टाइप नहीं होगा, कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। स्टेटस बार पे देखते एक बार मैसेज आया है, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड, ये चेंजेस अलाउड नहीं है बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक। ये जो आपका सिलेक्शन एरिया है ये लॉक हो गया, आप इस पे एडिटिंग नहीं कर सकते। दोबारा हटाएंगे स्टॉक प्रोटेक्शन में जाके, जो पासवर्ड भरा था सेम भरना है। अब आपकी एडिटिंग हो गई। थर्ड ऑप्शन हम पढ़ेंगे फिलिंग इन फॉर्म्स। चारों ही ऑप्शन में पासवर्ड लगेगा, अलग अलग काम है। फिलिंग इन फॉर्म, पासवर्ड यस पे क्लिक करके एंटर न्यू पासवर्ड। अब देखिए, आप टाइप करते हो, टाइप नहीं होता, स्टेटस बार पे भी कोई मैसेज शो नहीं होता, मतलब हम सिर्फ देख सकते हैं आपकी फाइल के मैटर को, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। स्टॉप प्रोटेक्शन, इसे ऊपर जो ऑप्शन हमने पढ़ा था कमेंट, कमेंट में क्या हुआ था, एडिटिंग नहीं होती, मैसेज आ जाता है स्टेटस बार पे। फिलिंग इन फॉर्म्स में क्या हुआ, एडिटिंग नहीं होती, मैसेज भी नहीं आता। नेक्स्ट है नो चेंज रीड ओनली, इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है नो चेंज, चेंज नहीं होगा, रीड ओनली, सिर्फ आप मैटर को पढ़ सकते हैं। सेकंड और फोर्थ में एक ही बात है, नो चेंज में गए, यस स्टार्ट, पासवर्ड भर दिया। अब देखिए कि ऑप्शन है, उसमें स्टेटस बार पे मैसेज आ गया, एडिटिंग नहीं हो सकती, लॉक हटाएंगे, पासवर्ड हट गया। तो इन चार तरीकों से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। रिव्यू टैब हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं
व्यू टैब एमएस वर्ड में पांच प्रकार के लेआउट होते हैं। देखिए, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। ये पांचों लेआउट हमारे स्टेटस बार पे भी होते हैं, यहां से भी हम पढ़ सकते हैं इनको। पांच लेआउट यहाँ पे भी हैं। किसी किसी कंप्यूटर में नहीं होते, स्टेटस बार पे हम राइट क्लिक करेंगे तो देखिए व्यू शॉर्टकट का क्लिक हटा देंगे, चले जाएंगे। यहां से गए, जूम भी हटा दिया, स्लाइडर भी, सारी ही चीजें चले गई। वापिस क्लिक करेंगे, वन बाय वन वापिस आ जाएंगी। देखिए फर्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट को रीड करना है, इस पे क्लिक करेंगे। सारे टूल बार सब कुछ बंद हो गया, अलग ऑप्शन आए हैं। जो ऑप्शन हमने पीछे नहीं किए वो हम करेंगे, जो कर रखे हैं वो आप खुद करना। यहां है सेव, सेव कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट है प्रिंट, प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंटर लगा रखा है तो। नेक्स्ट है टूल्स, टूल्स के सारे ऑप्शन हम पढ़ के आए हैं। सारे ऑप्शन हैं, रिसर्च, ट्रांसलेशन हमने सारे कर रखे हैं। नेक्स्ट भी हमने हाइलाइटर भी कर रखा है, कमेंट भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बीच में है जो ऑप्शन, यहाँ पे वन ऑफ टू, टू ऑफ थ्री। इसका क्या मतलब होता है, वन ऑफ टू, वन और टू पेज यहाँ आपको दिखाए गए हैं, टोटल आपके पास थ्री पेज हैं। इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन, नेक्स्ट पेज पे चला गया, प्रीवियस से प्रीवियस पेज पे आ गया। डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन है, गो टू बैक, मोस्ट रिसेंट स्क्रीन, थर्ड पे जाना है या हमने जो आपको शो करेगा टू पे जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड, टू पे चला जाएगा कर्सर, यहाँ टू पे मिलेगा, थ्री से थ्री पे। गो टू फादरेस्ट रीड स्क्रीन, लास्ट पेज पे कर्सर जाएगा इस कमांड से, फर्स्ट से फर्स्ट स्क्रीन पे, लास्ट से लास्ट पेज पे कर्सर आपका जाएगा। गो टू भी मैंने करा दिया, फाइंड भी मैंने करा दिया। डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल्स बचते हैं, जो अभी व्यू टैब में करेंगे यहां से छुटवा दिए हैं। व्यू ऑप्शन, डोंट ओपन अटैचमेंट इन फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन कमांड कैंसिल हो गई, दोबारा कर लेते हैं। एस्केप दबाएंगे तो भी कैंसिल हो जाएगी, और यहां से क्लोज करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए उसके अंदर हमारे ऑप्शन बचते हैं यहां से, इंक्रीज टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, टेक्स्ट का साइज आपका बढ़ता जाएगा, डिक्रीज छोटा होगा। वन पेज, एक बार में एक पेज शो करेगा। टू पेज, शो टू पेज में एक बार में दो पेज, मैक्सिमम दो ही करेगा। हमारे पास फाइव पेज हैं, पेयर में शो करेगा, वन टू थ्री फोर ऐसे। नेक्स्ट है शो प्रिंटेड पेज, एक्स्ट्रा जो आपका जूम साइज था उसको खत्म कर देगा। मार्जिन सेटिंग, शो मार्जिन, देखिए यहाँ पे आपका मार्जिन शो होगा, पेज थोड़ा सा आपका विड्थ बढ़ी, यहां से आपका मार्जिन सेट हो गया। सप्रेस मार्जिन, यहां से वापिस आपका मार्जिन कम हो गया। अलाउ टाइपिंग, आप कुछ चेंज करना चाहते हो, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वैसे चेंज नहीं होता, आप लिख के देख सकते हो, लिखा नहीं जा रहा। अलाउ टाइपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ही लिखा जाएगा।
किसी भी पेज पे आप लिख सकते हो, जहां आपका कर्सर होगा आप वहीं पे टाइप कर सकते हैं। अलाउ टाइपिंग को बंद कर देंगे, टाइप नहीं कर सकते। ट्रैक चेंज भी पढ़ चुके, कमेंट भी, शो ओरिजिनल भी पढ़ चुके। यहां से क्लोज करेंगे, वापिस वहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वेब। वेब होता है इंटरनेट। वेब लेआउट में क्या करेगा, पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, वर्टिकल रूलर चला जाएगा। वर्टिकल रूलर पेज की सेटिंग के काम आता है, हॉरिजॉन्टल रूलर भी पेज की सेटिंग के काम आता है। ये चीजें हम पहले कर चुके हैं। सेटिंग का मतलब इसको उठा के इधर कर दिया तो टेक्स्ट भी आपका इधर चला गया। तो ये जो रूलर होते हैं पेज की सेटिंग के काम आते हैं। वेब पेज की विड्थ बढ़ गई, वर्टिकल रूलर चला गया। प्रिंट लेआउट हमारा नॉर्मल पेज होता है। नेक्स्ट आउटलाइन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आउटलाइन के साथ पूरा टैब आएगा तो ये ऑप्शन ज्यादा है, इसको आज छोड़ देते हैं। ड्राफ्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, ड्राफ्ट पे क्लिक करने से वर्टिकल रूलर चला गया। और दो चीजें भी होती हैं जो हम पीछे पढ़ चुके, एक बार फिर देख लेते हैं। हम हेडर फुटर में नोट डाल लेते हैं। हेडर में मैंने नोट डाल दिया। ड्राफ्ट आपका पेज है तो हेडर फुटर का डाला हुआ नोट शो नहीं होता। इन विच लेआउट हेडर एंड फुटर शो, हेडर एंड फुटर शो किस लेआउट में शो होता है? दो आंसर हैं। फर्स्ट है प्रिंट लेआउट, हो गया शो। सेकंड है प्रिंट प्रीव्यू, होम के ऑफिस बटन के अंदर प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की होती है। प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपका हेडर फुटर शो हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं रूलर। रूलर हाइड एंड शो करने के लिए वर्टिकल रूलर से हम, मैंने ये कर दिया, आप प्रिंट निकालोगे तो आपका मैटर यहां से प्रिंट होगा, ऊपर लेके गए ऊपर से हो गया। ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट पे ग्रिड लाइन हाइड एंड शो करने के लिए, चेक बॉक्स पे क्लिक है तो ग्रिड लाइन है, चेक बॉक्स का क्लिक हट गया तो ग्रिड लाइन हट गई। तो आउटलाइन को छोड़ के आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, यहाँ तक। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।